गोरखपुर में आगामी जुलाई माह से मुहर्रम शुरू हो रहा है। मुहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न करने के लिए इमामबाड़ा एस्टेट में मियां साहब की अध्यक्षता में मुतवल्लिया के साथ बैठक की गई, जिसमें मुहर्रम का जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरना है उन रास्तों में आने वाली समस्याओं को लेकर इमामबाड़ा एस्टेट के गद्दी नशीन अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने मुतवल्लियों से समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसके संबंध में मियाँ साहब ने बताया कि अभी मुतवल्लियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को जाना जा रहा है। उन तमाम समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा जाएगा। जुलूस के रास्ते को दुरुस्त कराने समेत तमाम समस्याओं को मुतवल्ली में रखा गया है। समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन से बात की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने बताया, मुहर्रम शुरू हो रहा है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, जिला प्रशासन से क्या बातचीत हुई आपकी? अभी जिला प्रशासन से कोई खास बातचीत नहीं हुई है। अभी तो मुहर्रम का चांद होने में कुछ वक्त है। मुहर्रम का चांद उम्मीद हम लोग कर रहे हैं 6 या 7 तारीख को होगा, और चांद होने के बाद ही ये मालूम होगा कि किस दिन मुहर्रम शुरुआत हो रही है, किस दिन दसवीं है। अभी फ़िलहाल जो तैयारियां चल रही हैं और बाकी मुतवल्लियों की आज छोटी सी बैठक की है जानने के लिए कि किसके यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं। एक बार वो सामने आ जाएंगी तो फिर आगे ज़िला प्रशासन से या नगर निगम से उनसे बातें होंगी। जैसे अभी कुछ इन लोगों से बातों में कुछ आया सामने कि कई जगह की सड़कें जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, कई जगह नालों का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ नालों का निर्माण हो रहा है जाहिर सी बात है समझ में आता है कि वो इतनी जल्दी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ सड़क ख़राब है उसके लिए उनसे बात होगी कि इसको मुहर्रम शुरू होने से पहले इस सड़क को सही करवा लें, उसकी पैचिंग कर लें या जो भी हो सके बेहतर से बेहतर हो कर लें। अच्छा, जुलूस के दौरान जो है रास्ते खराब, इसके साथ ही जो बिजली के तार लटकते रहते हैं, पेड़ की टहनियाँ हैं, तमाम तरीके की दिक्कत, इसको लेकर जो क्या है? जी, सबके ऊपर मतलब मेरा जो मतलब था ये सड़क से तो उस पर ये सारा कुछ कवर्ड है। जो भी इस तरह का मसले हैं, जो सिलसिला है, आप लोगों से मैंने कहा है लिख के दीजिए, मुझे बताइए और नोट कराइए ताकि मैं आगे लोगों से बात कर सकूं। तो मुहर्रम में क्या जुलूस का क्या प्रोग्राम रखा है? जुलूस का देखिए, जहाँ तक मेरे मुहर्रम के जुलूस का सिलसिला है तो हमारा जुलूस जो है वो मुहर्रम की 5वीं और 9वीं 10वीं को बाहर का गश्त होता है, जो बड़ा जुलूस होता है, लंबा जुलूस होता है और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से गुजरता है। और बाकी जो जुलूस हमारा होता है मुहर्रम की 3, 4, 6, 7, 8 वो छोटा गश्त होता है, वो सिर्फ इमामबाड़ा परिसर में ही गश्त होता है।